ये क्वेश्चन नंबर, टू पैरेलल पॉट्स ऑफ अ सर्कल, टू पैरेलल पॉट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग डायमीटर 4 यूनिट्स, टू पैरेलल पॉट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग डायमीटर 4 यूनिट्स. तो क्लियरली सर्कल का डायमीटर इज गिवन, व्हिच इज 4 यूनिट्स. और ये रेडियस 2 यूनिट्स, बहुत बड़ा बात है, बड़ी बात है, रेडियस 2 यूनिट्स. ओके, लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर. द टू पॉइंट लाई ऑन द ऑपोजिट साइड. ठीक है, मैं क्लास में रख सर्कल ड्रॉ कर लूंगा. मान लीजिए सेंटर है, एक और नीचे की तरफ है, एक और पार्ट ऊपर की तरफ है, लेकिन दोनों एक ही डिस्टेंस में है. अच्छा, लेट्स सी. एंड सबटेंड, एंड सबटेंड एंगल्स, एंड सबटेंड एंगल्स cos inverse of 1/7, cos inverse of 1/7 and secant inverse of 7 at the center respectively, at the center respectively, then find the distance between the points, then find the distance between the parallel points. Interesting. Yeah, trigonometry kya hai. ना पर मिस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री को आगे. ओके, सो यू नो पहली बात ये है, देखो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया. तो ठीक है, मान लो ये पहला पॉइंट है और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर को. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सबटेंडिंग एंगल एट द सेंटर? कैसे कैसे दिखाऊं मैं फिगर पे? दिस कॉर्ड सबटेंडिंग दिस एंगल एट द सेंटर, कॉर्ड से सेंटर को जॉइन कर लिया. यस, करेक्ट. तो व्हेन वी जॉइन the end points of the cord to center, देखो एक कुछ angle form होगा, और ये जो angle है cos inverse आपके पास. अच्छा, और and moreover ये है क्या मेरे पास? ये है, which is how much? 2. ये भी है क्या? 2. अच्छा, 2 sides and the inclined angle. अच्छा, इससे अपन third side find कर सकते हैं. कौन सा rule? cosine rule या sine rule? cosine rule. C square is equal to A square plus B square minus 2AB cos C. तो लेकिन इससे हमको क्या मिल जाएगा? ये कॉर्ड का लेंथ है. अच्छा, कॉर्ड का लेंथ से कॉर्ड का दूरी फाइंड कर पाऊंगा मैं सेंटर से. पक्का? कैसे? D D मिल जाएगा और आधा कर पाऊंगा. अच्छा ठीक है, ये हो गया कहानी पहला कॉर्ड का. अच्छा, तो फिर दूसरा कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? अच्छा, ये दोनों एक ही है क्या? अच्छा, कैन यू राइट cos inverse of 1/7 as secant inverse of 7 at the one and the same? अच्छा, ये देखो, अगर ये थीटा ले लिया, व्हाट इज cos थीटा फ्रॉम दिस? 1/7. मान लो अल्फा अल्फा है, सो cos अल्फा इज 1/7. अच्छा, दूसरा पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर रहा बीटा, secant बीटा इज, secant बीटा इज 7, तो व्हाट इज cos बीटा? 1/7. ऑब्वियसली दोनों सेम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी. Right? Cos inverse of 1/7 is actually secant inverse of 7. माने दोनों cos same angle subtract कर रहे हैं, उसका मतलब दोनों का distance same होगा. Again, ninth standard property. Cos having equal length subtract equal angles at the center. Remember? Yes, पूरा भाग है. एक trigonometry involve करते हैं अपने. अच्छा, माने एक और chord है यहाँ. जो भी इतना ही angle form कर रहा, इतना ही angle form कर रहा. तो माने और actually आपने को find क्या करना है? ये डिस्टेंस आता है ना. तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये वाला निकाल लूंगा और उसको डबल कर दिया, तो आप क्या पूरा डिस्टेंस. अच्छा, मुझे ना अल्टीमेटली ये फाइंड करना है, अल्टीमेटली ये फाइंड करना है. अच्छा, ये फाइंड करने के लिए मुझे ये चाहिए और ये निकालने के लिए मुझे ये चाहिए और वो निकालने के लिए कुछ साइन रूल लगाना पड़ेगा. अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ना थीटा ले लिया, मैंने इसको थीटा ले लिया और मुझे पता है cos थीटा. अच्छा, फिर मैंने ना इसको ले लिया x, मान लो L, 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 L. ठीक है, तो cos theta is equal to, sorry, what is it? मुझे L find करना है, so L square is equal to 2 square plus 2 square minus 2 into 2 into 2 into cos theta. Is it? पक्का? कौन सा rule apply किया हमने? cosine rule.
So c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c cos, right? ये 2 square 4 और ये वाला 2 square 4 minus a और cos theta is remember ये theta आ रहा है 1 by 7 है. अच्छा दिस नथिंग बट 8 minus 8 by 7 माने a common है यानी दिस इज नथिंग बट 48 by 7. अच्छा ये तो l square है तो l कितना होगा देयरफॉर l इज ये 16 3 है 16 3 by 7 root over r square minus ये जो कुछ भी ठीक है है ना l by 2 का ठीक है ये root over r is 4 minus how much is it 12 by 7 sorry 7 plus 28 28 minus 12 16 is it yes 16 by 7 minus 4 therefore what will I write therefore distance between the chords is simply 2 times b by 2 same the logic here is that the other chord is also subtending the same angle actually cd inverse of 7 is actually cos inverse of 1 by 7 ये वाला भी theta ही है अगर दोनों chords same angle subtend कर रहे हैं तो माने उनका length same है अगर उनका length same है तो उनका distance from centers भी Find the locus of the midpoint of the chords of the circle x square plus y square is equal to 4 x square plus y square is equal to 4 which subtend case 1 pi by 2 at center which subtend an angle pi by 2 at center case 2 2 pi by 3 at center Interestingly, तो you know let's understand the given circle. Given circle standard form है, जिसका center होता है 0.0 और इसका radius होता है 2 units. अच्छा, तो ना अपने को find क्या करना है? अपने को find करना है locus. यानी उसमें infinity value points होते हैं. तो अपन हमेशा start करते हैं letter point भी. Either आपका हक है h को के लेने का या x को मार्क करने का. तो मैंने चाहिए एक ऐसा chord ले लूँगा, ऐसे normal मान लो ये जो chord है, जिसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है इसका है ना अच्छा तो मैं क्या करूंगा लाइक दिस पॉइंट बी ठीक है वैसे भी आपको आधा कर लेने का ए बी मान ये सी है उसका मतलब ये डी है और डी का ही लोकस निकालना है तो मैं एक काम करूंगा इसको डायरेक्टली एक्स वाई लिखूंगा अच्छा मेरे पास ये सेंटर है क्या अच्छा सेंटर तो है व्हिच इज हाउ मच 2 यूनिट्स रेडियस सॉरी रेडियस है 2 यूनिट्स एंड मोर ओवर
this cot is subtending 5 by 2 at the center. अच्छा मतलब ये पूरा एंगल दिया हुआ है, दिस इज 90. अच्छा मतलब सेमीसर्कल. अच्छा ये सेमीसर्कल हो सकता है. ओके अब देखो तो पाइथागोरस चाहिए तो मैंने मैं हमेशा क्या करूंगा इसी से जॉइन कर लूंगा हमेशा. एंड इंटरेस्टिंगली ये पूरा एंगल 90 है तो ये कितना होगा आपका 100%. क्यों? क्योंकि रिमेंबर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर जो है वो मीडियन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है. लेकिन ये एक ही वाला है, इधर साइड वाला, इधर साइड वाला नहीं, एक तरफ वाला जो है वो एक्ट करेंगे. अच्छा माने ओके फाइन लुकास माने अपने को एक्स और वाई के बीच की कंडीशन चाहिए. अच्छा ये पॉइंट सी है तो ये डिस्टेंस पता है आपको और मच डिस्टेंस ओपन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सिंपल. अच्छा इंटरेस्टिंग देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड पता है एंगल पता है ट्रिग्नोमेट्री. तो सीडी जो है ये देखो इस ट्रायंगल में ये एडजेसेंट साइड है. रिमेंबर एडजेसेंट साइड हमेशा r cos थीटा होता है. रिमेंबर पैरामेट्रिक में और वर्टिकल हमेशा r sin थीटा होता है. ऑपोजिट वाला साइन एडजेसेंट वाला cos. माने अकॉर्डिंग टू द फिगर सीडी जो है इज नथिंग बट r cos थीटा बट सीडी जो है इज नथिंग बट रूट ओवर R is nothing but 2 and cos 45 is 2 ये कितना होगा root 2. Therefore locus is nothing but x square plus y square is equal to sorry 2. अच्छा इनका locus में क्या है, एक circle है जिसका center अगेन 0.1 center is 0.0 and radius is 0.2. अच्छा ये simple question था. अब अगर ये कितना complicated है तो क्या क्या आपने किया. अच्छा circle का equation ऐसे एक और ऐसे consider लिया इसका सेंटर सॉरी इसका मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना तो इसे मैंने जॉइन कर लिया. क्यों ये जॉइन करना क्यों जरूरी था? ऑफ कोर्स क्योंकि सेंटर है और ये पॉइंट का कंडीशन निकालना है तो अपने को पाइथागोरस तो चाहिए. तो अगर तो लगा कि अपने को पाइथागोरस लगेगा लेकिन हां पाइथागोरस कोई जरूरत नहीं पड़ा, ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ा क्योंकि आपके पास एंगल है. अच्छा वी हैड एंगल बेसिकली है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा ये ऐसे हमेशा आर कॉस का होता है. अच्छा तो ये रूपापति वाला भी ऐसे चले ऐसे अगर ये देखो अगर ये टू पावर थ्री है माने अच्छा पूरा एंगल टू पावर थ्री यानी टू साइन पावर थ्री माने 60 माने सेम फंडा सीडी जो है वो बनेगा 2 cos 60. अच्छा यहाँ सिर्फ आ जाएगा 1 सॉरी cos 60 1 बाय होता है आ जाएगा. कर लोगे आप पक्का ये वाला पार्ट कर लोगे ना? नाउ वी नीड टू लुक एट अनदर अप्रोच. Now approach number 2, problem will be in 15 minutes, 1-5. Okay. तो आपने notice किया यहाँ y is equal to mx plus c. जो पहला ही question जो आपने किया था y is equal to mx plus c. तो अपने पास ना ये standard condition है, जैसे कि अभी कोई line circle को intersect कर रहा कि touch कर रहा कि neither or case वो निकालने के लिए अपने पास क्या condition है, r और d के बीच में. तो r d से बड़ा होता तो intersecting है two points, r equal to d होता touching है, r less than d होता तो neither वाला चीज. अच्छा तो ना अपने पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कौन सा, इसी कंडीशन को ना एक स्पेशल केस में जैसे कि अगर वो 9 इंस्टेड ऑफ a स्पेस dy प्लस c अगर वो होता y इक्वल टू mx plus c एंड मोर ओवर इफ द सर्कल इज गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लाइन इन y इक्वल टू mx plus c format है ना, then what happens है ना, ये आप लिख सकते हो approach second approach के basis पे. पहला वाला भी है ये भी है ना, we'll see कि ये कब apply करें वो कब apply करें, we'll see बिना इसका है another approach. okay तो basically अपने पास है equation circle x square plus y square is equal to r square and the line is y is equal to mx plus c right. तो क्या है ये लाइन का इक्वेशन, मान लो व्हिच इज y = mx + c, ये सर ये अपना सभी इक्वेशन x + y = r है ना. सो व्हाट इज द अदर अप्रोच सेट्स कि क्या है इसके क्या स्पेशल है इसके, लेट्स अंडरस्टैंड. तो ना अगर ये लाइन सभी को इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे टू पॉइंट्स राइट, वी शुड बी एबल टू फाइंड दीस टू पॉइंट्स राइट. कैसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनडायरेक्टली.
समझ ना, ए और बी फाइंड करने का कोशिश करूंगा, कैसे भाई एलिमेंट वन में यहां डाल रहा सिंपल। अच्छा ये यहां डालने से क्या होगा कि x स्क्वायर प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अच्छा ये x स्क्वायर ये भी ये एक्सपैंड करेंगे इसको m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर राइट। ओके तो यहां x स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा सही है प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये क्वाड्रेटिक है। नाउ वी हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर, तो लेट्स अंडरस्टैंड। अगर मान लो ये पहला वाला केस है, दिस इज केस 1, माने जहां दो अलग-अलग पॉइंट्स है, तो दो अलग-अलग पॉइंट्स है, माने एक का x1 होगा x कोऑर्डिनेट और दूसरा इसका x2 होगा, माने इस क्वाड्रेटिक के लिए कितने रूट होना चाहिए, दो, और दो रियल रूट होना चाहिए, माने इस क्वाड्रेटिक का जो b जो है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये लाइन सर्कल को टच करेगा इक्वल टू माने d शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा सिमिलरली अगर ये नाइदर वाला केस है, माने सर्कल उधर और लाइन इधर, माने कोई रूट ही नहीं है, d हैज टू बी लेस देन 0। अच्छा तो इस अप्रोच में पूरा कहानी किस पे डिपेंडेंट है, d पे डिपेंडेंट है, डिस्क्रिमिनेंट पे। अच्छा तो मैं डिफाइन कर लूंगा इसका, तो देखते हैं कि क्या है इसका मैं डिफाइन करूंगा। लेट्स सी व्हाट वी हैव। Okay, so let's try to find b. So b is basically b square 4 m square c square, yeah, 2 mc ka whole square b square minus 4 into a into c, what is c square minus r square, say it. So now 4 common le loge directly aur ye banega m square c square, ye to be careful liya tha minus c square minus m minus r square aur minus m square c square plus m square say it. Acha badhiya, m square c square cancel. Okay, so b is equal to 4 times, nice, in this r square common nikla tha ye r square into this is what we have. So at the end of the define kiya. Acha so abhi kya hai, acha now interestingly case 1 case 1 hai na, case 1 ki अगर दो अलग अलग पॉइंट्स है, इफ द लाइन कट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, माने बी हैज टू बी ग्रेटर देन 0। देखो पहले के सामने वहां पर भी क्या लिखा हमने, इंटरसेक्टिंग है ना, मैं यहां लिखूंगा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग माने दो अलग अलग पॉइंट्स पे, माने बी हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव के लिए ऑब्वियसली r स्क्वायर इनटू शुड बी ग्रेटर देन c स्क्वायर, माइनस c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन c स्क्वायर। Case 2. Now this is the most important case. I mean we are going forward. So in this case, agar line circle ko touch karega, exactly. Therefore, d should be equal to 0. Mane r square into 1 plus m square should be equal to c square. Very very important. और ये concept अपन apply करेंगे ellipse के बाद, और ये concept अपन apply करेंगे hyperbola के बाद. So it's slight modification. अच्छा और तीसरा केस ऐसे जबरदस्त लिखना ही होगा, वैसे भी वो उतना यूजफुल केस नहीं है, बट स्टिल अपन फाइंड करेंगे ना यूजफुलनेस फाइंड करेंगे। केस केस पे क्या होगा, नाइदर वाला केस है ना, नो टचिंग नो इंटरसेक्टिंग, तो इसलिए डी क्या होना चाहिए, डी हैज टू बी लेस देन 0, माने r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर शुड बी लेस देन। तो यहाँ ये लिखने का कोई एक और तरीका है कि c is plus or minus r into root over 1 plus m square, है ना, ये लिखने का दूसरा तरीका अगर आपने c find करना होता। तो interestingly अगर देखो ये वाला केस है तो फिगर फोटो कैसे बनेगा सर, इसका फोटो केस टू का फोटो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा सर अपन ये वाली पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, कैन एक्चुअली फाइंड दिस पॉइंट। एक तो है फोटो का पर्टिकुलर ऑर्डर डिस्कस कर लिया, लेकिन ये स्पेशली फाइंड कर सकते हैं। रिमेंबर ये पूरा डेटा क्या है, इसी इक्वेशन का, ये इक्वेशन है,
अब देखो किसी क्वाड्रेटिक का रूट इक्वल होता है तो दोनों भी रूट्स आर गिवन बाय माइनस बी बाय टू ए क्यू बिकॉज बोथ द रूट्स आर गिवन बाय माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी अपॉन टू ए लेकिन बी तो जीरो है तो माइनस बी बाय टू ए तो बेसिकली बेसिकली क्या हुआ एक्स इज गिवन बाय देयरफॉर इफ बी इज इक्वल टू जीरो इफ बी इज इक्वल टू जीरो then x is nothing but minus b right? minus 2nc upon 1 plus m square. But what is 1 plus m square? 1 plus m square is c square by r square. माइनस टू एम सी अपॉन सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो अपने नोटिस किया एक्स और सी कैंसिल सॉरी माइनस बी बाय टू ए राइट टू और टू बी कैंसिल माइनस एम आर स्क्वायर बाय सी तो दिस पॉइंट का माइनस आर स्क्वायर एम बाय सी अब मुझे ना बाय फाइंड कर बाय वाला पॉइंट तो क्या करूंगा मैं ये वाली इस पे डाल दूं y के नेक्स्ट क्वेश्चन में y is equal to m into x x क्या है तो y is equal to minus r square m square plus c square by c square. But c square is again r square plus r square m square. ये दोनों कट y is nothing but r square by ये पॉइंट ऑफ वेरी वेरी अब सर्कल के वक्त वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों क्योंकि आप हमेशा दूसरा तरीका से फाइंड कर सकते हो ऐसे वो वाला वो आपने को यू नो याद है ना दैट इज द फॉर्मूला व्हिच यू रिमेंबर सो दिस इज नॉट वेरी मच फेमिलियर है ना इट बी अभी भी नहीं तो आई इट्स गोना टेक सम टाइम तो सर्कल के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये कहां इंपॉर्टेंट है एलिप्स और हाइपरबोला और इसके जो फॉर्मूले जो है वो इसके जैसे दिखेंगे इट्स लाइक मॉडिफिकेशन तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली what is it that we are supposed to expect it to remember कि ये जो approach है ये तब possible है या तब applicable है कि पहली बात ये है when the equation of circle is in standard form x square plus y square is equal to r square and the equation of line is in ये अगर general अगर ये general form में रहा तो अपन इस form में हमेशा convert कर सकते हैं given line को अपन slope intercept form में convert कर सकते हैं हमेशा है ना तो अगर मान लो slope intercept form में दिया हुआ तो y में x plus c, x plus y square is equal to r square. So three points, three cases. वो intersecting कब होगा? When r square to 1 plus n square is greater than c square. वो touching कब होगा? When will they touch? कि r square to 1 plus n square is equal to c square और c square is equal to r square into 1 plus n square. ये अपने लोगों को याद कर लिया तो बहुत help होगा. कैसे? ऐसे you know ऐसे 10-15 question है worksheet में कि given line touches given circle find the value of c find the value of k तो यहां क्या करें एक तो हमेशा अप्लाई कर सकते हो कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस वो तो कभी नहीं भूलना है वो कोई भी फॉर्मेट हो जाए कोई भी सर्कल हो जाए वो तो हमेशा एप्लीकेबल ही है ना d इज इक्वल टू r तो 100% एप्लीकेबल लेकिन अगर कोई ऐसा फॉर्मेट होता देन यू कैन आल्सो अप्लाई c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर वो नाइदर वाला कौन सा केस है जब r का कंडीशन स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर और ये टचिंग वाले केस में अपने पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड व्हाट इज दैट फार्मूला माइनस r स्क्वायर m / c r स्क्वायर / c बस एक क्वेश्चन करेंगे इसमें ना ये सब डेरिवेशन कोई हाँ यहाँ वन थिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स
कि कौन सा ये डी वाला कौन सा कि व्हाट इफ वी डू बेसिकली क्या है तो ना अगर वो लाइन सर्विंग को इंटरसेक्ट करेगा तो डी शुड बी ग्रेटर दैन टच करेगा तो एक ही रूट इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0 अगर लाइन में कोई रियल रूट है ही नहीं तो डी हैज टू बी ग्रेटर दैन 0 यानी हमने वाई को लिमिट कर दिया पूरा और पूरा कहां है हमने पूरा घुमाया इस केस में एच के तरफ अच्छा ओके फाइन दिस वाज ऑन टू प्रोसेस फेस ऑफ दिस है ना सो ओनली थ्री टिप्स टू रिमेंबर तीनो कंडीशन और कॉट ऑफ टाइम्स बस सो आपको ना ये इसका टाइटल देना कंडीशन फॉर टैंजेंट्स ओके क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे तीनों भी कंडीशन डिस्कस किया है ठीक है इसको टाइटल दे दिया है कंडीशन फॉर टैंजेंट्स है चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है फाइंड सी इफ y is equal to 2x plus c touches x square plus y square is equal to simple सा क्वेश्चन चलो अगर अगर कोई लाइन अब देखो इसकी दो अप्रोचेस का इन लाइन से अगर कोई लाइन सर्कल को टच कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है और ये सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है व्हाट इज दैट c square is equal to r square into 1 plus n square है ना तो therefore directly यहाँ n कितना है m है 2 और r कितना है 4 therefore c square is equal to r square into 1 plus m square सही है आंसर ठीक है ना सर ये 16 होगा ठीक है so 16 plus 64 16 into 5 c square is equal to r square into 1 plus n square है ना तो c कितना होगा प्लस और माइनस अच्छा तो c की कितने वैल्यूज पॉसिबल है ऐसा उसका मतलब कितने वैल्यूज पॉसिबल है कैन यू एक्सप्लेन ऐसे क्यों अच्छा ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है और c के दो वैल्यूज आए ना वेरी गुड आपने नोटिस किया ये दो वेरी गुड These are actually two parallel tangents. Yes. अच्छा. ये कहाँ नहीं? ये बहुत आपको ये ना ये आपको लग रहा है कि यार ये इसकी क्या जरूरत है जब आपके पास d is equal to r है ना? अब देखो ये मान लो ये मेथड वन है. तो अपन मेथड टू क्या कर सकते हैं? कौन सा? अपना जो स्टैंडर्ड मेथड है. अपन को पता है कि जब सर्कल सॉरी लाइन सर्कल को टच करेगा d is equal to r मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन लगे से अच्छा perpendicular distance from center. Center क्या है इसका? 0, 0. और line को standard form में लिख लूँगा, what will that mean? 2x minus y plus c is equal to 0. तो perpendicular distance from center onto this line. 0, 0. अरे mod c upon root over 5. सही है? पक्का? 100% is equal to which r is how much? 4. So how much is mod c? 4 root 5. Minus c is how much? Exactly. C is plus or minus ये तो अपने पास हमेशा रहेगा ही इसका कोई डाउट नहीं है ये यूनिवर्सल रिलेशन है लेकिन इसका भी जरूर पड़ेगा अभी आपको लग रहा है हाँ ये तो कुछ तो नया है सब फॉर्मूला भी अपने को फोर्सफुली लर्न कर रहा है लेकिन इसके बहुत एप्लीकेशन है ना तो अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा टैंजेंट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे है ना तब इसकी सबका जरूर पड़ेगा एक और क्वेश्चन अरे दिस इज जस्ट टू इलस्ट्रेट कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा y इज इक्वल टू c के फॉर्म में ही होने की कोई जरूरत नहीं जनरल फॉर्म में होता तो भी अपन इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ना क्वेश्चन नंबर 2 d9 lx plus my plus n is equal to 0 is tangent to x square plus y square is equal to r square. Then, prove that r square into l square plus m square is equal to n square.
r square into l square plus r square is equal to n square. Okay. Now interestingly, सर्च में कोई प्रॉब्लम ही नहीं स्टैंड फॉर्म में, बस लाइन जो है वो जनरल फॉर्म है. तो मैं क्या करूंगा, उसको कोशिश करूंगा कि अपना स्लो बिटेसेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का. स्लो बिटेसेट फॉर्म के लिए देखो एलएचएस से वाई मान सकते हैं. तो ये मैं इसको क्या करूंगा कि एम वाई इज इक्वल टू माइनस एल एच, सही है. अब तो हमेशा वाई होना चाहिए, सो वाई इज हाउ मच, माइनस एल बाय एल इनटू एक्स प्लस आगे समझ बाय को लेने से सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने. अच्छा ये अपना स्लोप है और ये अपना सी है, तो कंडीशन क्या है, वी होल डे फोर क्या कंडीशन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इनटू, सही है. अच्छा सी कौन है यहां, एन माइनस एन का स्क्वायर व्हिच इज एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर कौन है यहां, एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. लेकिन d इज इक्वल टू r, सर्कल कोई भी फॉर्मेट में हो जाए, लाइन कोई भी फॉर्मेट में हो जाए, d इज इक्वल टू r वो तो हमेशा एप्लीकेबल, वो तो यूनिवर्सल है. अच्छा तब अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो तब अपन ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ठीक है.